शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के छात्र छात्राओं को ओबीसी एससी एवं एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने सहित अन्य हो रही समस्याओं से अवगत कराते ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग द्वारा शासकीय विश्वनाथ यादव तमस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय से कॉलेज में छात्र छात्राओं को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग ने बताया कि ओबीसी एससी एवं एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के साथ ही कॉलेजों में प्रवेश द्वार एवं कॉलेज के अंदर वाले ग्राउंड में पानी का भराव हो जाने के कारण छात्र छात्राओं को आवागमन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बालिका छात्रावास एवं बालक छात्रावास को प्रारंभ कराए जाने की मांग की, क्योंकि महाविद्यालय में अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है और दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। वहीं द्वितीय एवं अंतिम वर्ष तथा पीजी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द आईडी कार्ड प्रदान किया जाने की मांग की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।